अचलेश्वर धाम में टूट विश्वास रखने वाले और श्री अचल मंदिर सभा से जुड़े हुए भाजपा के सीनियर नेता और समाज सेवक हीरा वालिया और समाज सेवक लाली वालिया ने कहा कि पिछले कुछ सालों से श्रद्धालुओं को भारी समस्या के चलते श्री अचलेश्वर धाम के मुख्य मार्ग का निर्माण वह खुद करवाएंगे। मालूम रहे कि इस बंद में ट्रस्टियों द्वारा जानकारी वालिया परिवार को दी गई थी तथा वहां पर श्रद्धालुओं को पेश आ रही समस्या के बारे में बताया गया था, जिस पर वालिया परिवार द्वारा अपने खर्च पर इसे बनवाने का वादा किया और इसका निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जा रहा है। अचलेश्वर धाम एक दुनिया में प्रसिद्ध आस्था का प्रतीक है। इतने 33 करोड़ देवी देवते इतने आए सन। भोले शंकर और श्री गुरु नानक देव जी का इतने आना एक दुनिया के वखरा इतिहास बनया होया है। पर इतों का जो प्रशासन के हालात ने और सरकार के हालात ने, देखो तुम हर रोज़ इतने जो बरसात हो जाती है 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता वा, और काफ़ी संस्थावान ने, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी अड्डे वाले ने वक्त अफसरों वक्त लीडर जाके बेनती की, पर किसी के कान से यू नहीं सकी। अब तो 3-4 दिन पहला सिक्रैस भी की थी, पर फिर भी कोई प्रशासन वालों कोई भी इतने नहीं आया। सो भोले शंकर देना मैं और सारी टीम असी ये सारा काम अपने तौर पर अपनी जिम्मेवारी लै के कर रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत ना आए। अज आशीर्वाद मिला है श्री राठौर जी का, गिल जी का और साढ़े भाटिया साहब जिला प्रधान ने। असं इतने सारे ने खड़े हो गए राठौर जी को जो ये काम शुरू करवाया है वो भोले शंकर की कृपा ना असी इतने किसी भी लोगों को लंघने को परेशानी नहीं आएगी। मेरा मन जागृति लहर के लिए गुरदासपुर से विक्की मलिक की रिपोर्ट।